दिस इज योर बुक लिख देते हैं, दिस इज योर बुक। अब यहां अगर हम योर देखें तो योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हक दर्शा रहा कि ये तोर का, ये तुम्हारा है, ये तोर बापा का, ये तुम्हारा बाप का है, हक दर्शा रहा ना, तो ये पॉजिटिव क्या हुआ, एडजेक्टिव है। तो अभी हम फिर से पढ़ेंगे रूल, रूल नंबर नेक्स्ट है ये। अब देखिएगा कि ये रूल कितना कारगर है या फिर कितना बेनिफिशियल है। हम फिर से वही चीज़ बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से हम सीख रहे हैं, ये वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ हमको मिल रहा है, तब आप इसमें कंटिन्यू ही रहिएगा। और अगर आपको जल्दी से ग्रामर ग्रामर पढ़ रहे हैं आप, और ग्रामर अगर जल्दी सीखना है, अप्रोच जल्दी लगाना है, तो आप क्लोज पेसेस का वीडियो मेरा सीरीज आ रहा है उसका देखिए, रूल भी आ रहा है उसका देखिए, वोकैब भी डाले हैं उसको देखिए। अगर लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम जरूर देखना है, लगता है कि हाँ ये ठीक है तो आप देखिए, नहीं तो बटन इसका भी है डिसलाइक का, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना पसंद आए तब ठीक। चलिए बढ़ते आगे, क्योंकि समय आपका कीमती है, नौकरी आपको लेना है ना, तो आपका समय कीमती हम कैसे बर्बाद करें। चलिए अभी हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन में अंतर क्या है। अभी एक होता ना कि क्लोज टेस्ट में कभी अगर हीज आता है तो हम बोलते हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और कभी अगर हीज आता है तो हम बोल देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट किए हैं कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं, कभी कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, तो इसमें अंतर क्या है, क्यों, क्योंकि एक खाली हिज ही ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों सेम होता है, हिज और हिज। आप देख सक रहे हैं कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है हिज में, तो उसके आगे नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके बाद में नाउन का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब, शॉर्टकट तरीका समझे तो हिज जो है ना, वो अगर हक दर्शा रहा है, जैसे हिज हाउस हक दर्शा रहा है, उसका घर है, तब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है जब वो हक दर्शा रहा हो, और जब हक नहीं दर्शा रहा हो तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो वही पढ़ाते वक्त जब आता है तो कभी पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं, कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है, मतलब समझ में थोड़ा हक, वो तो मेरे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो बाद में जब थोड़ा डीपली जाने तब समझ में आया कि नहीं, जब कोई हक दर्शाए आगे नाउन हो तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और नहीं तो फिर पॉजिटिव प्रोनाउन है। हालांकि इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो खाली पार्ट ऑफ स्पीच है पहचानने का। हम बोले कि पॉजिटिव अगर प्रोनाउन रहे तो माइन आवर्स योर्स हिज हर्स देयर्स, इसके बाद नाउन नहीं आता है, इसके बाद नाउन नहीं आता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव रहे, अच्छा पॉजिटिव एडजेक्टिव रहे तो नाउन आता है, तब नाउन क्या होता है, आता है, लिख लीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग कि इसके बाद नाउन आता है, ऐसा। क्यों, हम अभी तो बोले कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का जब बात किया जाए तो वो हक दर्शाएगा, और जब हक दर्शाएगा तो उसको कुछ तो देना, जैसे हिज हाउस, हाउस के नाउन है तो उसका घर, तो हक दर्शा रहा ना, जैसे और क्या ले ले, माई पेन, हक दर्शा रख मेरा है भाई, माई पेन, ठीक। तो हक जब दर्शाए, नाउन के पहले अगर आया तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ऐसे भी नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। नहीं अगर ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा तो ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते आर्टिकल कितना, तीन को, ए एन और द, इसको डिटरमिनर भी कहते हैं, ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, अनिश्चित, यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, इनडिफिनिट, और ये दिया क्या है हमारा, डिफिनिट आर्टिकल, हम इसको बोले इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित, इसको बोले डिफिनिट, समझते हैं। अगर हम दुनिया का सबका बात करें तो मेरा ए और एन लगेगा, ठीक। जैसे पक्षी उड़ती है तो इसका मतलब क्या, अगर पक्षी उड़ती है तो दुनिया सब पक्षी उड़ती है, अब तो घर वाला बैठा तो उड़ेगी नहीं क्या, उड़ेगी, तो पक्षी उड़ती है तो दुनिया का सब पक्षी उड़ती है, तब उसमें ए और एन लगेगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि पक्षी उड़ रही है, देख के बोल रहे पक्षी उड़ रही है, तो उड़ रही है मतलब क्या, इसका मतलब हम देख रहे तो उड़ रही है, ऐसा थोड़ी है कि हम देख रहे ये उड़ रही है तो दुनिया का सभी उड़ रही है, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, उड़ रही है मतलब निश्चित बना दिए कि पक्षी उड़ रही है, तो गिन सकते चार को पांच को जो उड़ रहा होगा। गाय दूध देती है, दुनिया का सब गाय दूध देती है, तो इसका मतलब एयर एन लगेगा, जो उसके हिसाब से लग जाए आ काव आएगा। लेकिन अगर बोले गाय दूध दे रही है तो दुनिया का सब गाय अभी थोड़ी दूध दे रही है, एकादू को सब दू रहा है, बाकी कोई कुटी खिला रहा होगा, कोई गोबर बिछ रहा होगा, कोई गोबर चुन रहा, कोई लथार खा खोता होकर, कोई लथार खा रहा होगा, तो ऐसा। तो अगर हम सिंपल सा भाषा, अगर गांव वाला भाषा कहे ना, तो अगर देख के बोले तो दा, अरविंद देख ले बोले तो एरन, बच्चा रोता है, ठीक है, बच्चा रोता है, देख के बोल रहे क्या, पता चल रहा है, देख के बोल रहे बच्चा रोता है, दुनिया का सारे बच्चे रोते,
लेकिन बोले बच्चा रो रहा है, इसका मतलब देख के बोले तो फिर दा लगेगा, ठीक है। तो ये होता है डिफिनिट या इनडिफिनिट। अभी एक ही इतना लंबा लेक्चर देने का क्या जरूरत है, समझाते हैं। ये अगर आर्टिकल है ना, अगर इसके बाद एक अगर वर्ड है तो वो नाउन होता है। ये ए एन दा को बोलते हैं प्रिसीडिंग नाउन। प्रिसीडिंग नाउन का मतलब होता है नाउन के पहले आने वाले, प्रिसीड मतलब पहले आता है। और ये भी याद रखिएगा प्रिसीडिंग के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि प्रिसीडिंग मतलब भी होता है पहले और बिफोर मतलब भी पहले। तो प्रिसीडिंग और बिफोर एक साथ नहीं आएगा, जब भी एक साथ है खत से गलत, क्योंकि प्रिसीडिंग और बिफोर अगर एक साथ लगा दिए तो इसका मतलब वो सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब था आवश्यकता से अधिक, रिडंडेंट बोलते हैं इसको। तो यहां तक समझ में आया, अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो पहला हमारा क्या है एडजेक्टिव, दूसरा क्या है नाउन, अगर तीन वर्ड है तो पहला क्या है एडवर्ब, दूसरा क्या है एडजेक्टिव, तीसरा क्या है नाउन। अब समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि हाँ सही बात है कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है एडजेक्टिव, ये किसका क्वालिफाई करेगा वर्ब का। लेकिन अब बोलिएगा तो यहाँ तो एडवर्ब एडजेक्टिव है, देखिए नाउन के बाद अगर तीन वर्ड हो तो वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, दो है तो एडजेक्टिव है नाउन है, अगर एक है तो नाउन है। याद रखिएगा नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है और वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो आप बोलिएगा कि वर्ब का क्वालिफाई करता है एडवर्ब तो फिर एडजेक्टिव क्या कर रहा है, तो याद रखिएगा जब आर्टिकल के बाद तीन वस्तु आए तब उसको एडवर्ब गिनते हैं, ठीक है, नहीं तो वर्ब है तो फिर एडवर्ब उसको क्वालिफाई करेगा, ठीक। आगे बढ़े, कंफ्यूजन तो दूर ही हो गया होगा। चलिए आगे, तो हम क्या बोले कि इसके बाद नाउन नहीं आता है, माइन आवर्स योर्स हिज हर्स देयर्स। हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद करेंगे इसको, ठीक। जैसे अगर हम लिखे कि दिस इज, लिखा हुआ क्या ये दिस इज माई बुक, यहां समझा रहे दिस इज माई बुक, या फिर दिस इज योर बुक लिख देते हैं, दिस इज योर बुक। अब यहां अगर हम योर देखें तो योर क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हक दर्शा रहा है कि ये तोर हक, ये तुम्हारा है, ये तोर बापा का, ये तुम्हारा बाप का है, हक दर्शा रहा ना, तो ये पॉजेसिव क्या हुआ एडजेक्टिव है, ठीक। तो दिस इज योर बुक, तब ये होगा सही, क्यों, क्योंकि योर है। लेकिन अगर बोले दिस बुक इज योर्स, तब आगे नाउन का प्रयोग नहीं होगा, तब ये सही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लगा दिया योर्स और इसके बाद नाउन नहीं आता है तो योर्स है ना, तो यहां लिखे दिस बुक इज योर्स, ठीक। तो यहां लिखे दिस बुक, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारा बुक है, तो हक दर्शा दो तुर बप्पा योर बुक, और यहां है दिस बुक इज योर्स, ये तुम्हारा बुक है। तो याद रखेगा, अभी एक मिनट, नहीं याद होते तो ऐसे याद रखे, जिसमें एक्स्ट्रा लग गया ऐसे लगाना ना एक्स्ट्रा, जिसमें एक्स्ट्रा लग गया उसमें एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, क्योंकि पहले से लगा दिए, जिसमें एक्स्ट्रा लग गया उसमें लगाना ही नहीं आगे कुछ, और जो छोटा लिखे उसको बड़ा करना है, छोटा लिखे बड़ा कर दिया। अभी हम बोलेंगे योर है बाबू, इसको तुम दो तरीका से बड़ा कर सकता है, कैसे करेगा, बोला कि दो ही चीज लगा सकता है, तो बोला देखिए हम दो ही चीज पढ़े, या तो इसके आगे यस लिख दो तब ये बराबर होगा, और नहीं तो फिर योर बुक लिख दो तभी बराबर होगा, लेकिन बुक और ऐसे एक बार नहीं लगेंगे, हैं। तो अभी कैसे याद रह जाएगा ये तो समझ जाना है, कि अगर एक्स्ट्रा एस आ गया है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, अगर एक्स्ट्रा एस लिख दिए तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, अगर एक्स्ट्रा एस नहीं लिखा है तब लिखना है, तब लिखना है बुक। अब तो याद रहेगा ना कि अगर एक्स्ट्रा एस आ गया तब आगे एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा एस आ चुका है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एस नहीं आया तब तो फिर लिख देंगे, ठीक है। तो यह याद करने का खाली गांव वाले का एक तरीका है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इतना के बाद माइन आवर्स सब में है, आवर्स योर्स हर्स देयर्स हिज माइन, और हिज और माइन खाली अलग है। तो ये याद करने का था कि इसके बाद नाउन नहीं आता है और इसके बाद नाउन आएगा। अब एग्जांपल के थ्रू, अगर अभी तक नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ये पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है ये तो समझ में आ गया होगा, बढ़ लेते आगे। यहां लिखा हुआ है योर्स कार इज न्यू, तुम्हारा कार नया है, अच्छा लिखा हुआ योर्स, एक्स्ट्रा क्या आया है एस, अरे जब एक्स्ट्रा आया है तो फिर आगे नहीं आएगा, अभी तो बता रहे थे कि जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या है एस, अगर एक्स्ट्रा एस आया तो आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नहीं आया है तब होगा कुछ, आगे देना पड़ेगा, लेकिन यहां तो गलत हो गया, फिर
ये तो फिर गलत होगी, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एस भी लिख दिए हैं, एक्स्ट्रा ये भी लिख दिए हैं, ये तो गलत है। इसका मतलब अर नहीं तो फिर माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इसके बाद नाउन ही नहीं आता, तो फिर ये कार जो नाउन है ये कर क्या रहा, ये तो गलत है। तो इसका मतलब कि ये एस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब योर्स कार इज न्यू नहीं होगा, योर कार इज न्यू, तुम्हारा कार नया है ना, तो योर्स को क्या करेंगे, योर में परिवर्तित करेंगे। एक बार देखो आ रहा है, क्या करेंगे, योर करेंगे। आगे बढ़े, दिस इज माई स्कूटर। अच्छा माई का क्या था, हो माइन, माइन अगर रहता तब नहीं आता, क्योंकि माई छोटा है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इसमें, एनई, ई एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जब एक्स्ट्रा आ रहा है तब एक्स्ट्रा नहीं देना है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, तो दिस इज माई स्कूटर, ये हमारा स्कूटर है, एंड दैट इज योर, और ये तुम्हारा है। अब देखते हैं कि ये गलत है कि सही है। अच्छा सबसे पहले ढूंढ एक्स्ट्रा है क्या, एक्स्ट्रा है ये नहीं है, ना ही इसमें एस है, ना ही कुछ है, और सबसे पहली बात नहीं समझ में आता है, ऐसे देखते हैं कि योर एंड दैट इज योर, इसके बाद नाउन है क्या, नहीं है, और जब नाउन नहीं है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा दो, तो अगर देंगे तो यहां करेंगे योर्स, तब ये सही होगा, ठीक है, क्या होगा तब सही होगा, यानी दैट इज योर्स, ये तुम्हारा कार है, ठीक है। कुल मिला के इसके बाद नाउन नहीं आता है तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा, और नाउन नहीं आएगा अगर योर लिख दिए। हाँ अब सवाल कि क्या इसको दो तरीके सुधार सकते हैं, कि दिस इज माई स्कूटर एंड दैट इज योर, सुधार सकते हैं, हम कर देते हैं दैट इज योर स्कूटर लिख देंगे, या तो योर्स, दो तरीके से सुधार सकते हैं, यहीं पे लिख दे, देख, या तो लिख देते हैं स्कूटर, या तो यह है सही हो जाएगा, या तो फिर योर्स हो जाएगा, दो तरीके सुधार सकते हैं, कि दिस इज माई स्कूटर, यह हमारा है, एंड दैट इज योर स्कूटर, और ये तुम्हारा है, ये सही होगा। नहीं तो अगर छोटा लिखना दो और उतना लंबा ना लिखो जो, तो ऐसे लिखते ना कि दिस इज माई स्कूटर एंड दैट इज योर्स, ये मेरा स्कूटर है और ये तुम्हारा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, योर हाउस इज बेटर देन माइन हाउस, योर हाउस इज बेटर देन, अच्छा तुम्हारा जो घर है उसे ज्यादा अच्छा मेरा घर है, यहां क्या है माइन, माइन का जो अपना रिलेशन वाला वर्ड होता है वो क्या होता है माई, अब ये माई अगर लिखते तब हमको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि माई तो छोटा है और माइन क्या है बड़ा, तो माइन यहां बड़ा खुद एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो फिर एक्स्ट्रा लिखने का यहां जरूरत नहीं है, और नहीं तो यहां से समझते कि माइन इसके बाद नाउन नहीं आता है, और यहां है माइन तो इसके बाद नाउन नहीं आता है, तो इसका मतलब हाउस काट देना होगा, तो इसी से पता चल जाएगा कि, तो फिर हाउस मिटा देंगे तो कैसे जानेंगे, हाँ जब ये सब लग जाता है ना तो ये खुद वही नाउन बताने लगता है, जब ये सभी लग गया, जैसे दिस इज माई पेन या फिर दिस पेन इज योर्स, अगर ऐसा लग गया तो वो कलम को ही बता रहा है फिर, ये तुम्हारा कलम है, ठीक है। तो यहाँ योर हाउस इज बेटर देन माइन, बस बेटर देन माइन करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, यह हाउस को हटाना पड़ेगा। अब आप लोग के सवाल, नहीं हम यहाँ नहीं बदलेंगे तब, तो ठीक है योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस, ऐसे कर देंगे फिर माई हाउस, तब तो दोनों हो जाएगा ना, यहाँ लिख देंगे माई और यहाँ लिख देंगे हाउस, तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि माई के बाद तो नाउन आना है, एक्स्ट्रा लगा रहेगा तब नहीं आना है, ठीक। सेव योर टाइम, समय बचाओ, एंड माइंड टू, और मेरा भी है, तो सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ, एंड माइंड टू, अच्छा एक मिनट, ये माइंड है, माइंड के बाद ये तो खुद एक्स्ट्रा है कि इसके बाद कुछ नहीं आता है, तो फिर ये टू क्या कर रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा माई टाइम टू, माई टाइम ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां टाइम का बात है, तो फिर माई के बाद ये तो टू तो है नहीं, टू नाउन है क्या हमारा, नहीं तो टू हमको तो नाउन देना है, क्योंकि लिखे कि माई के बाद हमको नाउन देना है, तो माई के बाद नाउन क्या है, यहां तो टाइम है ना योर टाइम, तो यहां समय नाउन है, तो यहां भी तो माई के बाद समय देना होगा, नहीं तो सेव योर टाइम एंड माइंड टू को करेंगे माई टाइम टू, मेरा भी समय क्या करो बचा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, और यहां करेंगे सही। आगे देख लेते हैं, दिस बुक इज माइन, ये हमारा बुक है, माई का क्या होता है, माई का क्या लिखा हुआ माइन, और जब माइन लिखा हुआ है तो इसके बाद नाउन नहीं आता है, तो इसके बाद नाउन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये सही है, ठीक। आगे दिस इज माई बुक, ये माई है, यहां माई है कहीं का, सॉरी यहां माई है का, नहीं है, और जब माई नहीं है तो फिर यहां होगा ना, तो माई के बाद नाउन आता है, तो दिस इज माई बुक, तो नाउन तो बुक है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक।
मतलब कुल मिला के खाली इतना कहा जा सकता है कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन हो तो आगे नाउन नहीं लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो आगे नाउन लिखेंगे। और खाली आप ये समझ जाइए कि इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, तो फिर दिक्कत नहीं हो। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, नाउन है तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, इसलिए नाउन है तो ये एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, एक्स्ट्रा सब में एक्स्ट्रा रहना चाहिए। माई का माइन एक्स्ट्रा अगला, तब कुछ आगे लिखो देना। आवर का आवर्स एक्स्ट्रा अगला आवर्स, आगे कुछ नहीं लिखना है। योर का योर्स एक्स्ट्रा दे दिए, कुछ नहीं लिखना है। हम योर नहीं लिखेंगे तब लिख दें तो एक्स्ट्रा तू लिख, योर नहीं लिखना है तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ हो दे तो हम बोलेंगे योर्स तब। हाँ ठीक है, दूसरा का बोले था हम बोलेंगे योर बुक तब, वो भी सही है। एक्स्ट्रा देना है, या तो तुम योर के साथ एस लगा दो तब एक्स्ट्रा सही है, या तो तुम योर के साथ बुक लगा दो तब सही है, योर के साथ एस लगा दो तब भी सही है, और योर के साथ तुम कोई नाउन लगा दो तब भी सही है। ठीक, जैसे लगाना वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पॉजिटिव प्रोनाउन। ये ना बहुत आदमी को तकलीफ देता है, और ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर का हम वही लेकर के आए जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और जो ज्यादा डिफिकल्ट है थोड़ा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत लगा होगा तो आप दोबारा रिपीट कीजिए उसको, डबल फास्ट में देख लीजिए। ठीक, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये रूल क्या है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।